हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को थोड़ा सा जूनियर क्लासेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लास टेंथ के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया था कि सर हम लोग को भी कुछ पढ़ना है और अभी सारे जगह पे क्लासेस ऑफ हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा हूँ जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, रियल नंबर। आपकी क्लास टेंथ में ये फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट्स, मैं आपके थोड़े से इन्फॉर्मेशन को फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ जो आप जूनियर क्लास में सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स होल नंबर। होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो, जीरो से जो स्टार्ट होता है और हम लोग जितने आगे तक काउंट करते जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर। सेकेंड आपका स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ व्हाट, वन। वन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, डॉट डॉट डॉट, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। थर्ड स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं वो सारे नंबर जिसका कि साइन प्लस हो माइनस हो अलॉन्ग विथ क्या, जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट, ये सारे आपके क्या कराते हैं, इंटीजर्स कराते हैं। स्टूडेंट्स अपने नाइन्थ क्लास में दो नंबर्स के बारे में पढ़ा था, एक आपका था रैशनल नंबर और दूसरा क्या, इरैशनल नंबर, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ चुके हैं क्लास नाइन्थ में। आपका एक क्या था, रैशनल नंबर, और स्टूडेंट्स आपका दूसरा था इरैशनल नंबर। आप लोगों ने इसके बारे में नाइन्थ क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा था। ये आपका किसके फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। P एंड Q जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और साथ ही साथ Q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। ये आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर क्या था स्टूडेंट्स, आप लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब आपका इरेशनल नंबर था, या फिर 7.329876 डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए आपका जो मेन टॉपिक था वो क्या था, रियल नंबर। स्टूडेंट्स रियल नंबर कहने का मतलब ये होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब क्या कि जितने भी नंबर हैं उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इन दोनों को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर। और एक और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब आप स्टूडेंट्स इससे आप बहुत ही ज्यादा वेल नोन है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। तो वैसे नंबर जो कि आपके रियल लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले जो क्लास टेंथ में आपको समझना है वो क्या समझना है, लेमा। लेमा आखिर स्टूडेंट्स होता क्या है, तो लेमा आपका एक स्टूडेंट्स ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जिसका कि आप यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा। लेमा स्टूडेंट्स करने का मतलब स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और प्रूफ अदर स्टेटमेंट। तो यही है आपका क्या है स्टूडेंट्स, आपका लेमा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इक्वेट डिवीजन लेमा। इक्वेट डिवीजन लेमा। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर इक्वेट डिवीजन लेमा है क्या।
तो इक्विटी डिवीजन लेवल ये है स्टूडेंट्स, आगे आप लोग जूनियर क्लासेस में डिवीजन किए होंगे, डिवाइड किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर मान लीजिए कि आप 8 को डिवाइड करते थे 4 से, तो क्या होता था स्टूडेंट्स कि 2 टाइम्स में ये आपका पूरी तरह से कट जाता था, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, जो आपका कोसेंट आया वो क्या आया 2, डिवाइजर जो था आपका स्टूडेंट्स वो आपका क्या था, आपने लिया था 4, और जो डिविडेंड लिया था वो क्या लिया था 8। तो किसी भी दो नंबर का जो कोसेंट अगर उसको आप डिवाइड करते हैं तो यूनिक कोसेंट आता है, उसका रिमाइंडर भले ही सेम हो सकता है दो अलग अलग नंबर का, लेकिन कोसेंट जो होगा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स इक्विटी डिवीजन लेमा आपको ये एक एक्सप्लेन करता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं वो आप क्या ले रहे हैं ए और क्या ले रहे हैं बी, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, इफ बी इज डिवाइडेड बाई ए, अगर आप b को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं किससे a से, तो आपको एक यूनिक कोसेंट मिलता है क्या q, और रिमाइंडर क्या मिलेगा r। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि अगर आप a को डिवाइड कीजिए किससे b से, अगर आप a को डिवाइड कर रहे हैं किससे b से, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो ये दोनों का दोनों हर एक केस में क्या रहता है यूनिक रहता है, मतलब क्या था हर एक नंबर का अलग अलग होता है। तो अगर इसको हम लोग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस क्या r। अब आप कहिए कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को पहले भी पढ़ा है क्या जूनियर क्लासेस में डिवाइड को चेक करने का रूल, क्या पढ़ा है आपने स्टूडेंट्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस फॉर्मूला को पहले भी पढ़ा है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होके आपको उसका नाम दिया गया है क्लास टेंथ में, जूनियर क्लासेस में आप सिर्फ पढ़ते थे क्या कि ये डिवाइड को चेक करने का फॉर्मूला है, लेकिन क्लास टेंथ में उसको एक आपका डाला गया है नाम, उसको वो क्या है आपका इक्विटी डिवीजन लेमा। एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो आर होता है रिमाइंडर वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है। आप रिमाइंडर के बारे में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि रिमाइंडर हमेशा जब वो होगा छोटा होगा किससे डिवाइजर से, यानी कि आपका किससे बी से, और ये हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा किसके जीरो से। मतलब स्टूडेंट्स आप अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी नंबर लिए, यहाँ पे ए एक नंबर लेते हैं जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं क्या 5 से, तो रिमाइंडर क्या क्या होगा इसमें मेन जो प्रोसेस जो काम आएगा वो आपका क्या आएगा रिमाइंडर को समझना। तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा इस 5 से क्या आएगा छोटा आएगा, क्या क्या आ सकता है आपका रिमाइंडर आ सकता है 4, 3, 2, 1, और अगर पूरी तरह से वो डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। यही सारे आपके रिमाइंडर आएंगे अगर आप किसी भी नंबर को किसे डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तब। चलिए स्टूडेंट्स तो ये आपका था, अब इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपको सपोज आपने एक नंबर लिया क्या, तो आप एक नंबर लिए 63 और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 23 से। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड तभी करेंगे जब एक नंबर दूसरे नंबर से क्या हो बड़ा हो, और बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स 63 को किससे 69 ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो 69 को अगर आप डिवाइड करते हैं 23 से, तो 3 टाइम्स में ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखते कुछ इस तरीके से हैं, इफ वी डिवाइड 69 बाय 23 वी गेट 3 एज अ कोसेंट एंड 0। स्टूडेंट क्यों, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, अगर रिमाइंडर बचता 5 तो यहां के लिखते हैं 5, अगर 2 बचता तो लिखते हैं 2, 0 एज अ रिमाइंडर। और इसको हम लोग अगर इक्विटी डिवीजन लेमा के रूल्स पे लिखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 69 इक्वल्स टू 3 इंटू 23 प्लस आर, डिविडेंड आपका कोसेंट
डिवाइजर और प्लस क्या रिमाइंडर। स्टूडेंट्स लेमा के ही तरह एक और वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, वो आपका क्या है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहने का मतलब क्या, एल्गोरिथम कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एल्गोरिथम कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक वेल डिफाइंड तरीका है, एक सीरीज, एक पैटर्न है किसी भी क्वेश्चन को क्या करने का, सॉल्व करने का। आप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वो जो फॉर्मूला लगाते हैं, वो जो तरीका, वो जो प्रोसेस आप यूज करते हैं किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एल्गोरिथम बोलते हैं। इट्स अ वेल डिफाइंड सीरीज, और आप बोल सकते हैं इसको क्या, मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो तरीका, जो वेल डिफाइंड हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसी से स्टूडेंट्स आया था क्या, एक और आपका इसी तरह से है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, जो इससे पहले भी हम लोग लेमा में पढ़े थे, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स ये जो एल्गोरिथम है ये आपको मदद करता है टू फाइंड एच सी एफ ऑफ टू गिवन नंबर। ये आपको किस में मदद करेगा, टू फाइंड एच सी एफ ऑफ टू गिवन नंबर। अगर आप दो गिवन नंबर का आप एच सी एफ निकालने जा रहे हैं, तब आपको ये जो आपका है इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या करता है, मदद करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। और एच सी एफ निकलता कब है, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आप दो नंबर लेते हैं, दो इंटीजर्स लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। अगर मान लीजिए कि दो आपके क्या है इंटीजर्स हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आप ले रहे हैं, जिसमें कि आप एच सी एफ तभी निकाल पाइएगा जब इन दोनों में से कोई ना कोई क्या हो, बड़ा हो। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। तो जैसे ही आप बी से इसको कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग मानते हैं कि लेट ए इज डिविजिबल बाय बी, वी गेट क्यू एज अ कोसेंट एंड R as a remainder। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब आपको निकालना क्या है HCF, तो हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका remainder जीरो ना हो जाए तब तक आप HCF नहीं निकालें। आपका HCF तभी आपको मिलेगा जब remainder क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको अगर हम लोग पैटर्न पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A is equals to B into Q plus R, where R जो होगा वो जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल, और फिर आपका क्या हो जाएगा, B से छोटा हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली हमको डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक कि हम लोग को रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो ना मिल जाए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको अभी समझाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्या कि डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एच सी एफ कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, एक नंबर हम लोग लेते हैं 80 और दूसरा नंबर हम लोग क्या लेते हैं 12। तो देखिए स्टूडेंट्स 80 को अगर हम लोग डिवाइड करें कि से 12 से, तो 18 सिक्सा 72, 8 फिर 12 और आपका क्या 1 टाइम्स में 8 4 फिर 2 टाइम्स में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। अब मेरा जो एच सी एफ हो गया वो क्या हो गया 4, है ना स्टूडेंट्स, एच सी एफ क्या हो गया 4। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू आपका इक्वलाइड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप वन में क्या लिखेंगे, सिंस 80 इज ग्रेटर देन 12, 80 जो है वो बड़ा है किससे आपका स्टूडेंट्स 12 से, तो लिखेंगे क्या, ऑन डिवाइडिंग 80 बाय 12 वी गेट कितना आया था स्टूडेंट्स हम लोग का कोसेंट 6 एज अ कोसेंट एंड रिमाइंडर कितना आया था स्टूडेंट्स 8 एज अ रिमाइंडर। और अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसको फॉर्मूला पे लिखें तो क्या लिखेंगे 80 इक्वल्स टू 12 इंटू 6 प्लस 8। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट क्लियर।
अब इसको आगे कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो कर रहे थे तो फिर से क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप टू जो हो गया वो आपका क्या हो गया, देखेंगे कि 12 इज सेंस 12 जो है आपका बड़ा है किससे, 8 से, तो फिर से स्टूडेंट्स वही स्टेटमेंट, ऑन डिवाइडिंग 12 बाई 8 वी गेट कितना आया था कोसेंट स्टूडेंट्स, 1 एज अ कोसेंट एंड 4 एज अ रिमाइंडर, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी आपका स्टूडेंट्स अभी तक रिमाइंडर क्या आया है, 0 नहीं आया है, तो फिर से जब इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसी तरह से तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 4, अभी भी रिमाइंडर जो है आपका क्या है, 0 नहीं है। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे फिर से लिखेंगे सेंस 8 इज ग्रेटर देन 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 8 by 4 we get 2 as a cosecant and 0 as a remainder। स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग को जो रिमाइंडर मिल गया 0 as a remainder, मतलब r जो है आपका क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स यहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो 8 equals to 4 into 2 plus 0, तो यानी कि रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब HCF जो हो गया हम लोग स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, 4, तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 80 एंड 12 इज 4। और स्टूडेंट्स इस पूरे का एक और नाम दिया गया, इसका मतलब जो आप डिवाइड किए हैं उसका नाम दिया गया सक्सेसिव डिवीजन मेथड, मतलब ये जो HCF निकालते हैं हम लोग किसे निकालते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड।